वेलकम बैक टू लिंक्ड। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप सभी से कि अब आ रहे सी जो उस पर हम लोग कैसे टैकल करें, कैसे उसके लिए मीन्स ये आप समझ सकते हैं कि ये जो वीडियो आने वाला है एक मोटिवेशनल प्लस एग्जाम टिप्स एंड ट्रिक्स के बेसिस पर आपके बातें होने वाली हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ यहाँ पर कि जब मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको इसमें बताने की कोशिश करने वाला हूँ कि कैसे आप अगर किस तरह से पढ़ते हैं, अगर आप किस तरह से आप अपना जो भी स्टडी पैटर्न्स है या जिसको भी आप रोल मॉडल मानते हैं तो उस रोल मॉडल में से हम लोग जिनको भी रोल मॉडल मानते हैं तो वहाँ से हम लोग क्या सीख ले सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम लोग वहाँ से अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर जो भी हमारे रोल मॉडल है उनके जैसा हम बन सकते हैं, वो सारी चीज़ें बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों हम ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे वीडियो में, और वीडियो में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग अपने जो लक्ष्य है उसे हासिल करते जाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देने वाला हूँ और उससे शेयर करूँगा। तो ये टोटल आप वीडियो समझ सकते हैं, टोटली जो वीडियो होने वाला है मोटिवेशनल प्लस एग्जाम टिप्स प्रिपरेशन होने वाला है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर सपोज मानो कि तीन स्टूडेंट है, मानो एक करने मतलब कि मैं हो गया ए, और एक करने मतलब कि ये मेरा अलग है वो है, उसके बाद बी सी डी और तीन ठो स्टूडेंट है ये मैं हूँ। तो कहने मतलब कि ये तीन ठो स्टूडेंट है तो ये तीनों जो है कहने मतलब कि ये बी इज द टॉपर, मैं बोलिए कि मानिए कि मेंटर हो गया, मैं मेंटर हूँ, और जो बी है कहने मतलब कि 2018 का टॉपर था, मीन्स कोई भी मेडिकल का टॉपर है या किसी भी कंट्री का आप समझिए टॉपर है। उस तरह से सी जो है कहने मतलब कि जे ये कहने मतलब 2019 का टॉपर है। उसी तरह से जो डी है कहने मतलब कि 2020 का जो सी हुआ था यहाँ पर सी है इसका टॉपर है, समझोच मानिए आप, इसमें नेम का कोई जरूरत नहीं है मानिए। तो इसमें अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो तीनों टॉपर हैं तो और ये मैं मेंटर हूँ। तो अगर ये तीनों पहले टॉप मेरा पर्सनल बात अगर मैं मेंटर की बात करें मेंटर के बाद से चलेंगे मेरा पर्सनल, तो मैं हो सकता है कि कुछ ये टॉपर जो है इस सब से अलग बात करूं, और ये भी जो है कहने मतलब तीन ठो टॉपर ये तीनों का अगर आप कभी भी इंटरव्यू वगैरह या कहने मतलब जो भी चीज अगर आप तीनों के देखेंगे तो इस तीनों में आपको कुछ ना कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा, बहुत सारा डिफरेंस देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ये मेंटर की बात पर आओ या कहने मतलब कि ये तीनों टॉपर की बात पर आओ, तीनों ये चारों अगर चीज में से हम लोग अगर कुछ कॉमन देखेंगे ये ए बी सी डी में से जो चारों बंदा है इसमें से अगर हम लोग कॉमन अगर कुछ देखेंगे तो ये कितना भी कुछ बोले कि मैं इस तरह से किया तो सक्सेस हो गया, मेरे ये हुआ तो सक्सेस हो गया, वो हुआ तो सक्सेस हो गया, कितना भी कुछ बोले तो इसमें आप चारों का अगर कॉमन चीज फाइंड आउट करेंगे, कॉमन चीज इसमें से निकालेंगे तो सबका एक ही चीज आएगा, वो करने मतलब कि जे मींस डेडिकेटेड डेडिकेटेड हार्ड वर्क डेडिकेटेड मींस डेडिकेटेड का करने मतलब निरंतर निरंतर रूप में वो काम करता रहा पढ़ाई करती अपना हार्ड स्टडी करने मतलब या एसी को स्मार्ट स्टडी कोई कोई बोलता है करता रहा। उसी तरह से इसमें एक और आएगा तो यहाँ पर, और उसी के बाद मोर आपका मतलब कि डेडिकेटेड हार्ड वर्क हो गया, उसके बाद अपना पैशन बोलेगा सब पैशन जो था वो अपने मारकर खत्म हो गया पैशन, या और दो चार ठो मीन्स सबसे बड़ा बात यहाँ पर जो निकल के आएगा बड़ी सी बात वो कहने मतलब कि जो स्टडी है जो कि कहने मतलब कि डेडिकेटेड स्टडी अपने लक्ष्य के प्रति बहुत ज़्यादा काम किया बहुत ज़्यादा पढ़ाई किया तभी जाकर उस सब का हो पाया मीन्स वो लोग टॉपर हो गया। और इसी में से एक और बात बताएं कि ये कोई भी टॉपर से आप पूछो, कोई भी टॉपर से बी सी डी टॉपर है कोई भी टॉपर से ये पूछो या कभी भी इन लोग का इंटरव्यू देखो तुम तो उसमें क्या पता आएगा आपको क्या पता लगेगा कि ये जो टॉप आज किए हैं 2018 2019 2020 का जो टॉपर है या इससे पहले का या इससे आने वाला भी टॉपर है, ये टॉपर लोग को किसी को पता नहीं होता है कि मैं ये एग्जाम का टॉपर बन जाऊंगा
ये लोग का इतना पता जरूर होता है, ये श्योर इतना होता है कि मेरा नाम स्कॉलरशिप में आ जाएगा या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, इतना जरूर पता होता है। तो इसमें मैंने यहाँ पर बताना सीखा। अब इसमें से चलते हैं, कुछ सीखते हैं अलग किस्म की बातें। जैसे कि मानो सपोज बी अपना इंटरव्यू देता है और उस इंटरव्यू में बी कहता है कि मेरा पेरेंट्स का सपोर्ट था, मेरा भैया का सपोर्ट था तो मैं आज यहाँ पर सक्सेस हुआ, या मैं इस तरह करता था, मॉर्निंग में ज़्यादा स्टडी करता था तो सक्सेस हुआ। ये बी का कहना है। बी का कहना अगर हमें क्या करें यहाँ पर, ये पेरेंट्स सपोर्ट था, पेरेंट्स आप फाइनेंशियल कंडीशन ठीक था, या और इसका कहने मतलब कि मॉर्निंग स्टडी हैबिट था, मानिए मॉर्निंग स्टडी हैबिट था। उसी तरह से अगर हम लोग सी का बात करें, सी टॉपर है, सी का इंटरव्यू हम लोग देखते हैं कहीं पर, तो सी का टॉपर सी कहेगा क्या कि जो मेरा ब्रोदर थे तो वो कहने मतलब कि जो वो भी मेडिकल से फील्ड से बिलोंग करता थे, और कहने मतलब कि यहाँ पर ये कहेगा कि जे मैं लेट नाइट स्टडी से पढ़ता था, लेट नाइट स्टडी करता था, सी कहेगा। तो उसी तरह से अगर दो दो पॉइंट ले रहा है, होने के लिए बहुत पॉइंट होगा। अब डी में चलेंगे। डी के क्या कहेगा कि पेरेंट्स मेरा सपोर्टिव थे, प्लस कहने का मतलब कि जो मेरा भैया थे, ब्रदर्स कहने का मतलब कि जो वो बहुत गाइडेंस किए, और उसके बाद जो मेरा स्कूल था वो भी मुझे गाइडेंस किया, स्कूल भी गाइडेंस किया। उसी तरह से ये कहेगा कि जो मेरा मैं तो सिर्फ 6 ही आवर्स स्टडी करता था, और जो 6 आवर स्टडी करता था बहुत इफेक्टिवली स्टडी करता था। इस तरह से मैंने सबका लिख दिया हूँ। और जो मेंटर है, मैं यहाँ पर मेंटिंग कर रहा हूँ तो मेरा अपना पर्सनल व्यू भी बताऊंगा उसमें, इस तरह का आ गया। और इसी में मानो कि सर सपोज मॉर्निंग स्टडी, तो यहाँ पर देखो ये यही टॉपर, एक टॉपर है 2018 में जो हुआ है, उसका कहना है कि ये सपोर्ट का बात छोड़ रहे हैं, सपोर्ट वाला तो वो कोई किसी का कोई हो सकता है, हटा रहे हैं, लेकिन जो मेन स्टडी का बात आ रहा है यहाँ पर वो ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर मॉर्निंग में बी कह रहा है कि मॉर्निंग में मैं पढ़ता था तो आप मैंने टफ कर दिया, मॉर्निंग मेरा स्टडी हैबिट था, अर्ली मॉर्निंग में उठता था उसके बाद पढ़ता था। सी कहता है कि जो मैंने लेट नाइट से स्टडी करता था। उसी तरह से डी जो टॉपर है वो कहता है मैं सिर्फ ही 6 ही आवर स्टडी करता था, 3 आवर्स मॉर्निंग में और 3 आवर्स इवनिंग में। तो अगर आप इसमें अगर तीनों इंटरव्यू देखे कहीं पर, और आप कहने का मतलब कि मानिए कि आपका लेट नाइट स्टडी हैबिट है, अभी फिलहाल जो प्रेजेंट टाइम है, प्रेजेंट टाइम में आप सी का फॉलो कर रहे हैं, लेट नाइट स्टडी है, आप डी का इंटरव्यू देख लिए और आप 15 आवर्स पढ़ रहे हैं और मार्क भी नहीं इंक्रीज हो रहा है, आप डी का इंटरव्यू देखे तो सोचे कि डी तो 6 ही आवर पढ़ता है, 3 आवर्स अर्ली मॉर्निंग में, 3 आवर्स शाम को, इवनिंग मीन्स लेट नाइट करता है स्टडी। तो आप डी, आप ये छोड़कर आप डी वाले पर मीन्स सी का छोड़कर डी वाले पर कवर करने की कोशिश करेंगे कि मैं डी का अनुसार करूंगा तो बेस्ट हो जाएगा। या कहने का मतलब कि मानिए कि आपका डी का जैसा हैबिट है और डी आप सी का इंटरव्यू कहीं पर सुन लिया आपने, या कहने का मतलब सी से आपका मुलाकात हुआ और सी बताया कि इस तरह से पढ़ो, लेट नाइट पढ़ो तो तुम्हारा नाम निकल जाएगा, तो आप डी वाला का जो आपका अपना डी जैसा था तो उसे छोड़कर आप सी वाला पर फ्लक्चुएट हो रहे हैं तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो मैंने इनडायरेक्टली यहाँ पर यह समझाना चाह रहा था कि हर चीज आपको, हर हैबिट्स आपको टॉपर के साथ मैच नहीं हो सकता आपका। और हर हर देखो यही 3 टॉपर्स को हम देखें तो यहाँ पर तीनों टॉपर्स का अपना अपना हैबिट्स है, अपना अपना पढ़ाई है इसमें, तो आपका भी इसमें कहने मतलब कि अपना इंपॉर्टेंस अलग हो सकता है। सिर्फ आपको ये कमन रखना है, इस चीज पर ध्यान देना है कि आपका अपने पढ़ाई प्रति डेडिकेशन होना जरूरी है, और हाँ उसके प्रति मीन्स पूरा पैशन होना जरूरी है कि जब मुझे पढ़ना है, मुझे नाम निकालना है, और उसमें जितना से जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं पढ़िए, जितना रिवीजन कर सकते हो वो कीजिए, यही फाइनली मैं बताना चाह रहा था। अगर मानो कि कहने मतलब कि इसमें दूसरा, अगर दूसरा अवश्य हम समझाना चाहें तो मानो ये कहने मतलब कि जैसे सी बी है तो बी कहने मतलब कि यहाँ पर कहेगा कि मेरा जो गर्लफ्रेंड था तो वो मुझे बहुत ही हेल्प किया, वो मुझसे थोड़ा कहने को मतलब कि मेरे ही बैच का था वो, पहले टैलेंट था या फलाने स्कूल से बिलोंग करता था, मुझे हेल्प किया तो मैंने टफ कर लिया। अब
अगर उसी तरह से डी डी कहता है कि मेरा भाई स्कूल ये सारे जो मेरे सोसाइटी बहुत हेल्प किए थे टफ कर लिया, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आपका भी कोई गर्लफ्रेंड हो और आपको हेल्प करे तो आप टफ करें, या कहने मतलब कि आपका स्कूल या आपका सोसाइटी ही हेल्प करेगा तो आप टफ करें। सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो कहने मतलब कि आपका खुद का लेबर है, खुद का मेहनत है और खुद का डेडिकेशन टुवार्ड्स योर स्टडी है। तो यहाँ पर से मैंने यही बताने की कोशिश की और फाइनली मैंने यहाँ बता चुका हूँ। और मेंटर की बात करते हैं यहाँ पर, अब फेलियर की भी बात करेंगे कि कोई फेलियर हो जाता है तो क्या वहां पर किस तरह से बात आ जाता है फेलियर की बात करें। देखिए मेंटर मेंटर क्या करता है, अगर मैं मेंटर हूँ सपोज, तो मेंटर क्या करता है कि जी मतलब कि ये एज अ कॉमन अगर जनरल में उसे बताना पड़े कि आप क्या करें क्या ना करें, तो मेंटर ये सारे चीजों को उठाकर एक कंबाइंड बनाता है और वो एक्सप्लेन कर देता है। तो सो अगर ये भी कोई जरूरी नहीं है कि मेंटर की हर बात, अगर आप पर्सनल मेंटरशिप नहीं लिए हैं तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आपका हर हर बात हर मेंटर की बात आपको फिट कर जाए और आप में सुटेबल हो जाए और उससे आपका सक्सेस रेट बढ़ जाए। इसीलिए मेंटर का पर्सनल मेंटर का इसलिए जरूरत पड़ता है। और जो भी इसमें मैंने बताया पेरेंट्स का, ब्रदर का, स्कूल का, तो वहां पर पर्सनल मेंटरिंग मिलता है स्टूडेंट का। जो पर्सनल मेंटरिंग का मतलब ये होता है कि आपकी कमियां कहाँ पर है और आपकी अच्छाइयां कहाँ पर है दोनों के देखना, जो आपको बेस्ट है बेस्ट दिलाता है, मीन्स आपको मार्क स्कोरिंग आपका रैंकिंग ऊपर ले जा रहा है, ऊपर की तरफ ले जा रहा है, उसे मेंटर क्या करता है ऊपर की तरफ ले जाते आपको अच्छा दिलाता है। अगर आपका कहने का मतलब कीजिए जो भी चीज आपको पीछे की तरफ छोड़ रहा है मीन्स ले जा रहा है और आपका मार्क कम करा रहा है या आपका फिर पढ़ने की तरफ से ध्यान हटा रहा है, उसे कनेक्ट मतलब कीजिए वो मेंटर उसे रिड्यूस करता है, कोशिश करता है ज्यादा से ज्यादा रिड्यूस करे, आपको सजेस्ट कर कर आपको गाइड कर कर आपका दूसरे चीज में माइंड को ड्यूरेशन मीन्स टाइम इन्वॉल्व कर कर जो भी आपका डायरेक्शन का एक परिवर्तन करता है मेंटरशिप। तो सो दोस्तों अगर आपको भी पर्सनल मेंटरशिप का जरूरत है और आप भी पर्सनल मेंटरशिप सीख कर रहे हैं तो मैं आपको अपने जो भी अनुभव है इस फील्ड में एक्सपीरियंस है उस बेसिस पर मैं जरूर आपको मेंटरशिप कर दूंगा। उसके लिए आपको नीचे एक लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, बहुत सारा लिंक है, उस लिंक पर किसी भी लिंक पर हमसे कंटैक्ट कर सकते हैं। लेकिन स्पेशली हम व्हाट्सएप को ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि व्हाट्सएप इजी अवे में इजीली आप बात कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, व्हाट्सएप से कॉल कर सकते हैं, वीडियो कर सकते हैं, जिस तरह से भी आप हैंडल कर सकते हैं। तो सो गाइज अगर आप भी पर्सनल मेंटरशिप की नीड में है तो आप व्हाट्सएप जरूर कर सकते हैं, नंबर दी डिस्क्रिप्शन में है, लास्ट में जाइएगा। तो फाइनली आते हैं इस टॉपिक पर, ये तो बात है हमने कर ली टॉपर्स की। बहुत सारा बात स्टूडेंट होता है कि एवरी टाइम टॉपर्स की बात होता है, तो मैंने यहाँ पर फेलियर की बात भी करने वाला हूँ दोस्तों कि फेलियर की बात क्या हो रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर अगर बी है, ये बी कह रहा है कि मानो कि सपोज कि ये अपने गर्लफ्रेंड की साथ पाने से ये टफ कर दिया, या इसी तरह से यहाँ डी के बात आई ये अपने ब्रदर की हेल्प जो मिला तो वो टफ कर दिया। तो एक और इसमें मैंने कैरेक्टर ऐड करता हूँ जो कि कैरेक्टर सपोज मानिए कि ई है, मार्कर की इंक थोड़ा कमी हो गया, ई है, और ई कैरेक्टर है जो कहने मतलब कि फेल हो जाता है, और एक एफ है वो भी फेल हो जाता है, मीन्स कहने मतलब कि अनेबल टू सिक्योर गुड मार्क्स या स्कॉलरशिप या गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं मिल रहा है साधारण भाषा में बोला जाए तो। तो अगर ई का रीजन हम लोग देखते हैं, ई का रीजन यहाँ पर सच आउट करते हैं यहाँ पर, तो ई क्या कहता है कि देखिए जो मेरा एग्जाम के टाइम में ब्रेकअप हो गया इसीलिए कहने मतलब कि जब मैं एग्जाम पर फोकस नहीं कर पाया तो मैंने एग्जाम में अच्छा मार्क स्कोर नहीं कर पाया जिसके कारण मेरा गवर्नमेंट कॉलेज या स्कॉलरशिप छूट गया, इसका मीन्स रीजन ये होता है मीन्स ब्रेकअप उसका। उसी तरह से यफ का रीजन बात करें तो यफ का रीजन एक एक्सप्लेनेशन देता है यफ कि अपने मीन्स फेलियर को या उस सक्सेस उतना जितना करना चाहिए था उतना नहीं कर पाया। तो यह कहता है कि देखिए मेरे घर में एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई थी, या कहने मतलब कि ये फैमिली प्रॉब्लम आ गई थी जिसके बेसिस पर मैंने अपना अच्छा नहीं कर पाया। तो या कहने मतलब कि जो मेरे घर से कोई भी मेरे घर से मेरे फैमिली बैकग्राउंड से मेडिकल फील्ड में नहीं बिलोंग करते थे तो मुझे अच्छा करियर गाइडेंस नहीं मिल पाया जिसके वजह से मैंने यहाँ पर जितना मार्क स्कोर करना चाहिए जिस तरह की सक्सेस दिखाना चाहिए उस तरह की सक्सेस नहीं दिखा पाया, ये आपका कहना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर दो पॉइंट से कंपेयर करना चाहूंगा, बी और सी के तो मैंने यहाँ पर बी लिया नहीं है,
बी का, बी का और ई का और डी का और एफ का पॉइंट से कंपेयर करना है। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि जब बी का जो बी का कहना था कि जब मेरे गर्लफ्रेंड थे और मैंने मुझे वो उसने सपोर्ट किया थोड़ा, तो उसके बेसिस पर भी मैंने थोड़ा सक्सेस अच्छा स्कोर किया और मैंने टॉपर बन गया। उसी तरह से यहाँ पर ई के बाद सुनिए कि जो वही ई कह रहा है कि दूसरा एक बंदा है ई, तो वो कह रहा है कि जब मेरा गर्लफ्रेंड होने की वजह से ब्रेकअप हो गया जिसकी वजह से मैंने माय एग्जाम्पल कंसंट्रेट नहीं किया। तो दोनों की बात अगर देखें, देखिए यहाँ पर गर्लफ्रेंड की बात करें, जी एफ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है कहने का मतलब कि एक ही जी एफ तो है, तो एक एक बंदे के लिए इफेक्टिव हो रहा है, एक बंदे के लिए काम फायदे की चीज हो रहा है और दूसरे बंदे के लिए वो डिसएडवांटेजेज हो जा रहा है। तो मैंने यहाँ पर ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों कि आपको ये कोई जरूरत नहीं है कि आपके पास जीएफ होगा तो सक्सेस करेंगे या आपके पास जीएफ है तो फेलियर हो जाएंगे। मैंने यही सटीक में बात समझाना चाह रहा हूँ जिससे मैं एक आपको अच्छा चीज में रिलेट करने वाला हूँ जो कि आपको पूरा क्लियर कट हो जाएगा। पहले इस पर आते हैं, जैसे कि ईएफ का कहना है कि जब मेरे घर में कोई सीनियर नहीं थे तो कहने का मतलब कि जब मैंने वहां पर अच्छा स्कोर नहीं कर पाया जिसके कारण गाइडेंस नहीं मिल पाया हमको, या फाइनेंस का कोई प्रॉब्लम हो गया था, फैमिली प्रॉब्लम, तो ये नहीं कर पाया। उसी तरह से डी के आते हैं, डी के कहने का मतलब क्या है कि जब मेरे ब्रदर जो थे बहुत ही हेल्प किए तो कहने का मतलब कि जब मैंने सक्सेस कर लिया। देखिए इनके घर में ना होना ब्रदर की या कहने का मतलब सीनियर की और डी के घर में सीनियर की होना, दोनों में कहने मतलब कि जो खास डिफरेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैंने आप फाइनली कोरिलेट करते हैं सारी चीज़ों को, मैंने कोरिलेट करता है फाइनली अगर आप देखेंगे सारी चीज़ों को यहाँ पर मैंने जो भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तो अल्टरनेटिव ऑवे में ये आता है कि आपके पास जो भी रिसोर्सेस है उसको किस तरह से आप इस्तेमाल करते हैं अपने सक्सेस के लिए, आने वाले दिन के लिए। अगर आप कोई कोई चीज़ प्रिपेयर कर रहे हैं, ये भले ही कि अभी अभी आपको लिए मैं गाइडेंस कर रहा हूँ पर्सनली मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल पर फील्ड में कि कैसे आप सी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट कॉलेज में जा सकते हैं, स्कॉलरशिप ले सकते हैं, ये गाइडेंस कर रहा हूँ। लेकिन मैंने यहाँ पर एक लाइफ के भी रिलेटेड कर दे रहा हूँ, जैसे आपके पास क्या रिसोर्सेस है और उसे किस तरह से इस्तेमाल करते हैं अपने सक्सेस के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, उस पर सारा चीज डिपेंड है। अगर एक बंदे के यहाँ पर मैंने बताया कि जैसे उसके पास जीएफ था तो वो सक्सेस हो गया, एक के पास जीएफ था लेकिन छोड़ दिया तो उसके पास फेलियर हो गया, तो कहने मतलब कि सारा चीज यहाँ पर आता है कि हाउ वाइजली यू आर यूटिलाइजिंग रिसोर्सेस व्हाट एवर अवेलेबल विथ यू, कहने मतलब कि जो भी रिसोर्सेस आपके पास है उसको किस तरह से आप अपने सक्सेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर सारा डिपेंड करेगा। अगर आपके पास कोई सीनियर है या नहीं है वो सारा चीज़ इस पर मायने नहीं रखता है। बहुत सारे स्टूडेंट का मैंने ये भी सुना है बातें करते हुए कि जब मेरे पास वो जो टफर थे वो उन्होंने ये किताब पढ़ी थी तो उनका नाम निकल गया, अब मैंने भी वो किताब किन लेंगे तो नाम निकल जाएगा, वो टफर थे ये किताब किने थे तो मेरा नाम उनका नाम निकल गया, मैंने भी वो किताब किन ले रहे हैं। तो देखो दोस्तों, किताब किनने से सिर्फ आपका नाम निकलने वाला होता तो आप मेरे ख्याल से आप यहाँ के दुनिया के हर किताब मेडिकल के प्रिपरेशन के वाले किन कर घर में रख लेते हैं। आप ही नहीं, बहुत सारे उस तरह के बच्चे जो है मेडिकल की सारे किताब किन कर ले आकर घर में रख लेते हैं, या किताब पढ़ने से कोई डॉक्टर बनने वाला होता तो सारा ले कर। तो यहाँ पर मैंने ये बताना चाह रहा हूँ कि किताब किनने से कुछ नहीं है, और आप वो जो आपके पास जो किताब है उससे कितना बार आप रिवीजन कर रहे हैं, कितना बार आप कोई स्टडी कर रहे हैं, उसके कितना बार उसके थ्रूली आप जा रहे हैं, उस पर सारा चीज डिपेंड करता है। तो सो फाइनली ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और उतना लंबा मैंने बनाना नहीं चाहता हूँ। तो फाइनली मैंने इसके कंक्लूजन निकालने से पहले एक छोटा सा एड लेना चाहूंगा दोस्तों अगर आप MBBS नेपाल करना चाह रहे हैं, MBBS अब्रॉड के लिए जैसे बांग्लादेश, फिलीपींस या कहीं भी के लिए आप करना चाह रहे हैं, तो दी गई नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, या मैं एक बार नंबर रिपीट कर रहा हूँ आप नोट डाउन कर लिए, 9818418646 जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर कॉल कर या व्हाट्सएप कर आप इंक्वायरी कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। सो गाइस, कंक्लूजन की यही है कि आपके पास जो भी रिसोर्सेस है, जो भी चीज़ें हैं, आप टफर की हर चीज़ें कॉपी करने की कोशिश ना करें, जो भी आपका पास अवेलेबल है, जो भी आपका अपना मेथड है, उस मेथड को अगर वो मेथड राइट है तो उसे चेंज करने की कोशिश ना करें, वो मेथड पर आप बहुत दिन से काम कर रहे हैं और आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है तो उस मेथड को चेंज करें, क्योंकि
एक ही मेथड पर बार बार काम करने पर भी आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है तो ऑब्सोल्युटली उस मेथड में कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स है और उसे चेंज करने का जरूरत है। और हर हर टॉपर का हर मीन्स हैबिट, हर स्टडी पैटर्न्स, हर उसका बुक आपका पास अवेलेबल हो, आप उसका हैबिट्स हर फॉलो करें, ये कहीं भी नहीं लिखा है। और इस तरह की कोई भी मैंने यहाँ पर टॉपर बताया वो सारे टॉपर्स में सारे चीज कॉमन नहीं है, उस कुछ ना कुछ डिफरेंस होते हैं। और आने वाले दिन का आप भी एक टॉपर हैं और मुझे आशा है कि आप में भी ये डिफरेंस कुछ उभर के आएगी आगे वाले दिन में। जिस वक्त मैंने एक और नाम थपूंगा 2021 का टॉपर और उसमें बताऊंगा कि किस तरह से आपका डिफरेंस दूसरे टॉपर से है, किस तरह से आप पढ़े तो आपका नाम निकला, किस तरह से आपने किया तो इस तरह, लेकिन उसमें भी आपका डिफरेंस मिल जाएगा। जैसे कि आपको विश्वास नहीं तो आप भी टॉपर बने और देखें कि बाकी टॉपर से आप कैसे अलग है। सो गाइस बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। और अगर आपको लगे कि कुछ भी हेल्प की जरूरत तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप दी गई नीचे व्हाट्सअप नंबर पर।